31,000 शिक्षक भर्ती काफी लंबे समय से अवेटेड है और मोस्ट वांटेड टॉपिक के लिए जिसको आप सब लोग देखना चाहते हैं। और जितना सरकार पर प्रेशर है उस हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि अब ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलेगी। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं नितेश। यहां बात करेंगे 31,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर रीड शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के बारे में। और राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूं, बात जरूर राजस्थान स्टेट की कर रहा हूं, लेकिन आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे मोस्ट वांटेड जो टॉपिक है, वो ये है कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। एक्चुअली मामला गया हुआ था चुनाव आयोग में, केवल इसलिए गया हुआ था क्योंकि राजस्थान में चल रहे थे चुनाव और वो हो चुके हैं खत्म। इसका मतलब चुनाव आयोग वाला मामला तो अब हो चुका खत्म, अब केवल सरकार के बारे में गेंद है कि सरकार कब इसकी विज्ञप्ति जारी करती है। ज्यादा से ज्यादा अब मैं आपको बताऊं, जैसे दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आज हो गई है 13 तारीख, तो इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक या दिसंबर लास्ट तक आपको संभवत है रीट की भर्ती देखने को मिलेगी, रीट की विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई के लिए आपको डेट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, या किसी भी स्टेट से रीट की, या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की। तो यहां संस्कृत की बात अगर करें तो संस्कृत के सभी वीडियो टॉपिक वाइज, संधि, समास, इसके अलावा जितने भी टॉपिक आपके संस्कृत में यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड, वो सब वीडियोस मैंने बना करके इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें पेडोगोजी की, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की, या फिर बात करें टीचिंग मेथड्स की, तो वो वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड है, तो उनके भी अलग से वीडियोस 100 से ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यानी कि 550 के आसपास संस्कृत के वीडियो और 100-150 के आसपास आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। तो उनको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियोस देखें और उनमें से खुद नोट्स बनाते चले। इसका फायदा भी आपको बताता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब ये वीडियोस देखे थे मेरे भाई बहनों ने, तो ये आप ही के कमेंट से मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ बताए थे उनमें 30 में से 28 क्वेश्चन वो थे जो यहाँ कराए गए थे। तो इससे बढ़िया एक्सपेक्टेड रेशो क्वेश्चन का कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो भी पढ़ाई आपको कराई जा रही है वो एकदम फ्री कराई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जीके की, तो वीकली जीके भी यहाँ मैं आपको करवाता हूँ और वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा करंट इश्यूज पर भी वीडियोस बना करके लगातार मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने काफी सारे डाले हुए हैं, तो उनसे आपको प्री और मेंस टाइप के जितने भी एग्जाम हैं उनमें काफी हेल्प मिल जाएगी। बस करना आपको यही पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने और नोट्स को फिर आपको पढ़ना है, तो उनको दोहराव के लिए टाइम आपको जरूर निकालना है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं बुक्स की, तो बुक्स के लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालता हूं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना आप ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप अगर चेक करेंगे तो वहां को काफी सारे बुक्स के लिंक मिलेंगे और उनमें वो बुक्स भी मिलेंगी जो हमारी खुद की लिखी हुई है, तो उन बुक्स का भी आप यूज कर सकते हैं। काफी कम रेट में बुक्स आपको मिलेंगी 30-35 रुपए में, जबकि मार्केट में 100-150 रुपए में बुक्स मिलती है, इससे कम कोई बुक नहीं आती, तो इससे कम रेट में आपको बुक कहीं नहीं मिलेंगी, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाई हुई है। पैसे भी केवल इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको थोड़ी कदर रहे, वरना फ्री में मिलने वाली चीज की कदर कम होती है, ये बात बिल्कुल कड़वी है लेकिन सच है। तो उम्मीद है आपको सभी तरीके की तैयारी के लिए इस चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे और मेहनत केवल आपको करनी पड़ेगी, मैं आपका साथ पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हूं। दूसरा जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, इसके सिलेबस को लेकर के, सिलेबस पुराना रहने वाला है या फिर सिलेबस नया होगा। तो NCTE की बुक्स तो आपको पढ़नी है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स भी आपको पढ़नी है। बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका। अब ये सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस जो पुराना वाला है आपको उससे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस नया आएगा तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। कारण क्या कि यहाँ आपका सब्जेक्ट का पेपर ही होता है। अगर मान लीजिए आप SS से पेपर देंगे, अगर मान लीजिए आप संस्कृत से देंगे, हिंदी या इंग्लिश से देंगे, इनमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आने ही होते हैं। जैसे संस्कृत ग्रामर की बात करूं वो मिस नहीं होगी, इंग्लिश ग्रामर की बात करूं वो मिस नहीं होगी, हिंदी ग्रामर की बात करूं वो मिस नहीं होगी, SS में काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी मिस नहीं होते, वो तो आएंगे ही आएंगे। अब सिलेबस चाहे कुछ भी रहे वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दो तरीके से काम आएगा, एज ए GK और एज ए सब्जेक्ट, तो लेवल 1 हो या 2 हो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपके बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान की और मेथड्स की, तो वो भी करीब करीब सेम ही रहते हैं, उनमें भी ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उसके अलावा कुछ है ही नहीं जो फिलहाल आ चुका है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी को तय करके आपको पढ़ाई शुरू करनी है। सिलेबस का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हालांकि ओल्ड सिलेबस है, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो। अब एक चीज और बता देता हूं, अभी तक क्या हो रहा था कि जो CTET का एग्जाम है वो आपका जनवरी में होने वाला है, और CTET के सर्टिफिकेट की या किसी भी स्टेट के सर्टिफिकेट की एक डेथ वैल्यू होती थी, ठीक है ना, यानी कि इस दिन तक ये वैलिड है, इसके बाद इसकी वैलिडिटी नहीं होगी। CTET का तो सरकार ने कर दिया है क्लियर कि भाई लाइफ टाइम वैलिड रहेगा ये।
अब बाकी स्टेट भी इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बार आपको सीटेट हो चाहे रीट हो, तैयारी जब करें तो आप ऐसे करेंगे आपके नंबर 130 के आसपास तो रहने चाहिए, 120 का टाइम गया यही मान लीजिए कि चला गया। क्योंकि इसमें एक चीज आप ध्यान रखें कि अभी जो नया डिसीजन आया उसमें साफ साफ कहा गया कि रीट के या टेट के अंक भी आपकी नियुक्ति में जोड़े जाएंगे, मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो जितने ज्यादा अंक उतने ज्यादा आपको बेनिफिट, इसलिए मैं शुरू से कहता आया था कि 120 प्लस आपको जाना है तो इसका मतलब 130 तक तो आपको पहुंचना ही है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। पदों की संख्या की बात करें तो 31,000 पद है यहाँ थर्ड ग्रेड शिक्षक के, तो वो रीट के जरिए भरे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको बता देता हूं कि इसमें एकेडमिक वेटेज भी आपका जुड़ता, ठीक है ना, लेकिन अब इसका जो रेशो है वो 90+10 कर दिया जा रहा है, यानी कि 90% तो वही आपके माने जाएंगे जो आप रीट में अर्जित करेंगे और 10% आपके एकेडमिक मेरिट के होंगे, जबकि पहले एकेडमिक मेरिट के आपके 30% हुआ करते थे। तो ऐसे में जो लोग रीट में अच्छे नंबर लाते थे वो भी सिलेक्शन से रह जाते थे, क्योंकि एकेडमिक जो नंबर थे वो अदर स्टेट से या फिर फर्जी टाइप के बोर्डों से करने के बाद लोगों के ज्यादा आ जाते थे तो उनको बेनिफिट मिल जाता था, तो वो किस्सा खत्म हो जाएगा। एक मुद्दा और चल रहा है कि राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल हाँ मिलेगा, लेकिन उसका तरीका आप समझ लो तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक्चुअली राजस्थान के लोगों को बेनिफिट देने का फायदे से मतलब ये है, सिस्टम से मतलब ये है कि राजस्थान संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और डीपली आएंगे। अगर अब आप अच्छी बुक से तैयारी करेंगे तो उन क्वेश्चन को आप भी सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट को, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। बस अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करना पड़ेगा। तो जनरल से ही अपने आप को मानते हुए आप पढ़ाई करें, कास्ट से में आप ना पढ़े, केवल पढ़ाई में आप पढ़े, स्टडीज में आप पढ़े, तो आपका सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अब बात आती है कॉमर्स वालों की, तो कॉमर्स वाले SSC एग्जाम दे सकेंगे, पहले उनको अलाउड नहीं था, ये बात भी क्लियर हो चुकी, सरकार इस चीज को पहले ही कर चुकी थी। दूसरी बात आ रही है परसेंटेज में छूट की, तो रीट एक्चुअल में इसमें 60% मिनिमम लाना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग बैरियर था, इसको सरकार ने तोड़ दिया है, ठीक है। तो सरकार यहां 5-20% तक छूट दे सकती है विभिन्न कैटेगरीज को, विभिन्न एरियाज के लोगों को, ठीक है। और यही तो कारण थे कि इसको चुनाव आयोग ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग इसको मंजूरी दे देता तो ये आचार संहिता कटघरे में आ जाती विज्ञप्ति, इसीलिए इसको आचार संहिता कटघरे के कारण चुनाव आयोग ने मंजूरी नहीं दी थी। अब चुनाव आयोग का बैरियर हट चुका है तो अब सरकार इस भर्ती को जारी कर सकती है, इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकती है। तो ये हुआ आपके परसेंटेज रेशो में छूट का मामला। अब बात आती है लेवल वन की, जिसको लेकर के आज से फिर हल्ला मचना शुरू हो गया। लेवल वन का मामला क्या है? एक्चुअली लेवल वन में अभी तक DLED या BSTC करने वाले ही अपीयर हुआ करते थे, अब गाइडलाइन नई आ गई। वो गाइडलाइन कहती कि अगर आपने BEd किया हुआ है तो भी आप लेवल वन में अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। तो BSTC वाले BEd वाले उनका आंदोलन ये है कि केवल लेवल फर्स्ट में BEd वालों को अप्लाई नहीं किया जाए, केवल BSTC और DL वालों को अप्लाई किया जाए, और BEd वालों को केवल लेवल सेकंड में अप्लाई करने के लिए कहा जाए। तो अगर मान लीजिए सरकार लेवल वन में भी BEd वालों को एग्री करती है, BEd वालों को अप्लाई करने के लिए परमिशन देती है, तो लेवल वन में कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेवल टू में तो ऑलरेडी होता ही था, है ना, तो वहां कंपटीशन बढ़ जाएगा। नुकसान किन को है? जो केवल BSTC और DLED है उनको नुकसान है, क्योंकि वो केवल लेवल वन में भर पाएंगे, लेवल टू में नहीं भर पाएंगे। जो BEd है वो लेवल वन में भर पाएंगे, लेवल टू में भर पाएंगे। इसलिए एक सवाल का जवाब आपको यहां अपने आप मिल जाता है, वो सवाल क्या है कि सर BSTC करें या BEd करें? तो भाई BSTC का या DLED का भी यहां कोई फायदा नहीं है, क्योंकि BEd वाले वहां आपके साथ कंपटीटर बन चुके हैं, इसलिए आप उनको BEd करना चाहिए। और अभी हर जगह 2 साल वाला BEd लागू है वही करना चाहिए, 4 साल वाला है वो भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर वाला BEd अभी लागू नहीं हुआ है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2021 या इसके बाद लागू होगा, लेकिन फिर भी ये जो कोर्स है वो 2030 तक मान्य रहने वाले हैं। तो ये काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारी क्वेरीज थी जो जितनी मुझे याद थी मैंने आपको सॉल्व करने की बताने की कोशिश की। फिर भी माना स्वभाव है काफी सारे कमेंट्स में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल करना बहुत जरूरी है, अगर सवाल नहीं करेंगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा। आपके जो भी मन में सवाल है आप कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल और कि जिन्होंने रीड पहले से कर रखा है, अच्छे नंबर है, जिनका आगे तक वैलिड है, तो भाई अच्छी बात है, फिर भी आपको दोबारा देना पड़ेगा। एक सवाल और कि जिन्होंने सीटेट कर रखा है, यूपीटेट कर रखा है, तो वो लोग रीड में फिर हो सकते हैं क्या? एक्चुअली रीड क्वालिफाइंग एग्जाम तो है, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा, भले ही आपको एग्जाम पास है या नहीं, अगर आप रीड देते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आप किसी भी स्टेट से हो, तो ये भी आपको सवाल का जवाब यहाँ मिल जाता है। फिर भी कोई सवाल है आपके आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में करीब करीब सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी, फिर भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।